दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को ईडी के सामने पेश होंगे। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें ईडी ने पेश होने के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके लिए उसने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन का हवाला दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। इसी श्रृंखला में एक योजना बनी है और उस योजना में पहला अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भाजपा की एजेंसियां करने जा रही हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर लड़ता है तो 7 की 7 सीटें बीजेपी हार रही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये 7 की 7 सीटों का की हार बीजेपी को इतना सता रही है कि वो अपने अरेस्ट की शुरुआत दिल्ली से करने जा रहे हैं और पहला अरेस्ट अरविंद केजरीवाल जी का करेंगे, ताकि इन 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ने लायक ना रहे। जब नेता ही नहीं होगा तो पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी। और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालो, 7 सीटें दिल्ली की अपनी जेब में डालो, ये भाजपा का लक्ष्य है। इसके बाद ये लोग अगला अरेस्ट जो करने जा रहे हैं वो एक ऐसे राज्य का है जिसमें 14 सीटें आती हैं, 14 की 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा की हालत खराब है। दरअसल शराब घोटाले की जांच की आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। गुरुवार को सुबह 11 बजे दिल्ली के सीएम प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे। इस घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें ईडी ने समन जारी किया है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जाहिर की है। उन्होंने इसके लिए मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का जिक्र किया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी का मकसद आपको खत्म करना है, आपने अगले कदम के बारे में भी बता दिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर पूरी पार्टी जेल में चली गई तो सरकार और पार्टी वहीं से चलेगी। बीजेपी चाहती है कि सभी लोगों को जेल भेज दिया जाए। हालांकि केजरीवाल के साथ कई चीजें अलग हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, अंदेशों के उलट उनकी गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं है। सीएम की गिरफ्तारी को लेकर के काफी नियम कानून है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 35 में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की गिरफ्तारी से छूट मिली है। हालांकि ये छूट केवल सिविल मामलों में, क्रिमिनल मामलों पर यह लागू नहीं होती है, यानी कि आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी हो सकती है। जयललिता मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुई थी। उन्हें 1996 में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली सरकार के मंत्री अतिशी ने दावा किया कि इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि सीएम केजरीवाल को 2 नवंबर को गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने बीजेपी पर आपको खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। उनकी तरह दिल्ली सरकार के एक अन्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी कहा कि साफ हो चुका है कि बीजेपी के लिए जो भी रुकावट बनेगा उसे किसी तरह जेल भेजा जाएगा। पीएमएलए का जिक्र कर भारद्वाज बोले कि एक ऐसा कानून है कि जिसके तहत किसी को भी सालों तक जेल में रखा जा सकता है। अगर गुरुवार को केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो पार्टी की रणनीति क्या होगी। इस सवाल के जवाब में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसका फैसला पार्टी के वरिष्ठ नेता लेंगे। पूरी पार्टी अगर जेल गई तो सरकार और दल जेल से ही चलेंगे। ईडी ने पीएमएलए के तहत ही केजरीवाल को समन जारी किया है। ईडी की चार्जशीट में कई बार उनका नाम आया है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।